शाओमी और रियलमी के बाद इंडिया में अगर कोई ऐसी ब्रांड है जो एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर और अच्छे फीचर्स के साथ फोन को लॉन्च कर सकती है तो वो है मोटोरोला। और सबसे अच्छी चीज, मोटोरोला के स्मार्टफोन में कोई भी एड और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलते। इसी के साथ रेगुलर एंड्रॉइड अपडेट और सिक्योरिटी पेज देने में भी मोटोरोला माहिर है। सिर्फ कैमरा डिपार्टमेंट में मोटोरोला को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। अभी आपने रिसेंटली देखा मोटोरोला ने G31 को लॉन्च किया 13,000 रुपए में एमोलेड डिस्प्ले और वो भी स्टॉक एंड्रॉइड यूजर इंटरफेस के साथ, 5000 mAh की बैटरी। इसी के साथ एंड्रॉइड 12 का अपडेट भी इस फोन में बहुत ही जल्द रिलीज होगा। तो ऐसे कई सारे फीचर्स इस फोन में ऑफर किए गए हैं, लेकिन ये एक 4G स्मार्टफोन है और लोगों की डिमांड है उन्हें 5G स्मार्टफोन चाहिए। तो इसी चीज को कंसिडर करते हुए मोटोरोला 2 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है और ये दोनों ही स्मार्टफोन BIS पर लिस्ट हो चुके हैं, जो आप देख सकते हैं। सबसे पहला स्मार्टफोन है मोटो G71 5G। अगर आपका बजट 16,000 से 17,000 तक है और आप एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो इस फोन का आप जरूर से वेट कर सकते हैं। 17,000 के प्राइस रेंज में ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जहां पर आपको 13 5G बैंड का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि काफी सही चीज है। आजकल आपने देखा होगा काफी सारे 5G स्मार्टफोन लॉन्च तो हो रहे हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर 5G बैंड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। जबकि लोगों की डिमांड है उन्हें ज्यादा से ज्यादा 5G बैंड का सपोर्ट चाहिए। तो इस चीज को मोटोरोला बहुत ही अच्छी तरीके से समझ चुका है, उसकी वजह से ही 13 5G बैंड का सपोर्ट इस फोन में ऑफर किया गया है। इसी के साथ 6.4 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले, HDR10 का सपोर्ट। लुक और डिजाइन की बात करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, LED फ्लैश लाइट और सेंटर में मोटोरोला की ब्रांडिंग के साथ फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर। फोन के बॉटम साइड पर 3.5mm ऑडियो जैक, टाइप सी पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल की प्लेसमेंट की गई है। परफॉर्मेंस की ओर नजर करें तो इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 695 5G प्रोसेसर देखने को मिलेगा और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, ये प्रोसेसर 6 नैनोमीटर FinFET टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, यानी कि पावरफुल प्रोसेसर के साथ पावर एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से फोन का बैटरी बैकअप काफी अच्छा होगा। ये फोन 2 वेरिएंट्स के साथ लॉन्च होगा, 6GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज, एंड जो सबसे हायर वेरिएंट होगा 8GB रैम एंड 128GB इंटरनल स्टोरेज। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो इस फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का। बैटरी कैपेसिटी की ओर नजर करें तो इस फोन में 5000 mAh की मॉन्स्टर बैटरी ऑफर की गई है और साथ में 30W की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को सिर्फ आधे घंटे के अंदर 0 to 50% चार्ज कर देगी। ये फोन 3 कलर्स के साथ लॉन्च होगा, ग्रीन, ब्लू एंड आयरन ब्लैक। इंडिया लॉन्च की बात करें तो ये फोन मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर के एंड में लॉन्च होने की उम्मीद है। बाकी दोस्तों आप बताइए कि आप इस फोन के लिए एक्साइटेड हैं या नहीं, और कंपटीशन को देखते हुए मोटोरोला को इस फोन को किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च करना चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आपकी वैल्यूएबल फीडबैक जरूर से बताइए, क्योंकि आपकी वैल्यूएबल फीडबैक बहुत ही ज्यादा मायने रहती है। दूसरा स्मार्टफोन है मोटो एज X30। ये स्मार्टफोन 2022 के फर्स्ट क्वार्टर में लॉन्च होगा और इस फोन का सीधा कंपटीशन होगा OnePlus 9RT के साथ। मोटो एज X30 को हम कंपेयर करते हैं OnePlus 9RT के साथ, ताकि हमें एक बेटर आइडिया लग सके इस फोन का हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। शुरुआत करते हैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के साथ। दोनों ही फोन में आपको फ्रंट साइड एज वेल रियर साइड फ्रॉस्टेड ग्लास ऑफर किया गया है। मोटो एज X30 में आपको फ्रंट एंड रियर दोनों ही तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन दी है, जो कि एक सही चीज है। जबकि दूसरी तरफ OnePlus 9RT में भी गोरिल्ला ग्लास की प्रोडक्शन है, लेकिन कौन सा वेरिएंट है वो मेंशन नहीं है। एनीवेज फोन के अंदर किसी भी टाइप की प्रोडक्शन हो, डे 1 से ही टेंपर ग्लास और बैक केस लगाकर ही फोन को यूज करना चाहिए, क्योंकि दिल और शीशा कभी भी टूट सकता है। एनीवेज डिजाइन की बात करें तो मुझे पर्सनली OnePlus 9RT की डिजाइन अच्छी लगी। बाकी दोस्तों आपके नजरिए से इन दोनों फोन में से किस फोन की डिजाइन सबसे अच्छी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, क्योंकि डिजाइन एक ऐसा फैक्टर है जिसमें सबकी चॉइस अलग अलग होती है। OnePlus 9RT में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, जबकि मोटोरोला में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर की प्लेसमेंट की गई है। तो यहां पर नो डाउट फिंगरप्रिंट स्कैनर के मामले में OnePlus 9RT बाजी मार जाता है। लेकिन जब टेक्नोलॉजी इनोवेशन की बात आती है तो यहां पर मोटोरोला ने बाजी मार ली है, क्योंकि मोटो एज X30 का जो सबसे हायर वेरिएंट है वहां पर आपको अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा ऑफर किया गया है, जबकि दूसरी तरफ OnePlus 9RT में सेल्फी कैमरा ऊपर की तरफ है।
डिस्प्ले की ओर नजर करें तो OnePlus 9RT में 6.62 इंच की फुल HD प्लस E4 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है, जबकि Motorola Edge X30 में 6.61 इंच की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले ऑफर की गई है। रिफ्रेश रेट की बात करें तो OnePlus 9RT में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया गया है, जबकि Motorola में 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ऑफर किया गया है। तो यहां पर Motorola के पास प्लस पॉइंट है। टच सैंपलिंग रेट की बात करें तो OnePlus 9RT में 600 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और Motorola Edge X30 में 576 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। रिफ्रेश रेट को लेकर Motorola आगे हैं, जबकि टच सैंपलिंग रेट में OnePlus 9RT आगे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ब्राइटनेस की, किस फोन की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट है। OnePlus 9RT में आपको 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है, जबकि Moto Edge X30 में 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिलती है। तो यहां पर ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले OnePlus 9RT की है कंपेयर टू Moto Edge X30। आउटडोर कंडीशन में OnePlus 9RT की डिस्प्ले ज्यादा ब्राइट होगी एज कम्पेयर टू Moto Edge X30। परफॉर्मेंस की बात करें तो OnePlus 9RT में Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा, जो कि 2021 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है, जबकि दूसरी ओर Motorola में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 प्रोसेसर ऑफर किया गया है, जो कि 2022 का एक फ्लैगशिप प्रोसेसर है। प्रैक्टिकली तौर पर देखा जाए तो दोनों ही फोन की परफॉर्मेंस सेम होगी, आपको कोई भी मेजर डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन ऑन पेपर देखा जाए तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 थोड़ा सा पावरफुल प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू Qualcomm Snapdragon 888। दोनों ही फोन में सेम स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। इतना ही नहीं, रैम का जो टाइप है वो भी सेम है LPDDR5 रैम। परफॉर्मेंस को लेकर आपको दोनों ही फोन से कोई भी निराशा नहीं होगी। आउट ऑफ द बॉक्स दोनों ही फोन एंड्रॉइड 12 पर होंगे। OnePlus 9RT में ऑक्सीजन OS का यूजर इंटरफेस, जबकि Moto Edge 30 में स्टॉक एंड्रॉइड का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। दोनों ही फोन में आपको एड और ब्लॉटवेयर देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि काफी सही चीज है। कैमरा सेक्शन की ओर नजर करें तो दोनों ही फोन के रियर साइड पर ट्रिपल कैमरास का सेटअप, 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा सेंसर दोनों ही फोन में सेम है, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस OnePlus 9RT में, जबकि Motorola में 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है। 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर दोनों ही फोन में सेम है। इसी के साथ सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का OnePlus 9RT में, जबकि दूसरी तरफ Moto Edge X30 में 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। ऑन पेपर देखा जाए तो Moto Edge X30 के जो कैमरास हैं वो काफी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इमेज प्रोसेसिंग पर। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो Moto Edge X30 में 5000 mAh की बड़ी बैटरी ऑफर की गई है और 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को 0 to 100% सिर्फ 35 मिनट में फुल चार्ज कर देगी, जबकि दूसरी ओर OnePlus 9RT में 4500 mAh की बैटरी ऑफर की गई है और साथ में 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग, जो इस फोन को आधे घंटे में फुल चार्ज कर देगी। ओवरऑल परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी कैपेसिटी, तो इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं Motorola Edge X30 थोड़ा सा आगे है, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं OnePlus 9RT के साथ। Motorola का ये फोन देखकर ऐसा लग रहा है Motorola इंडियन मार्केट में अपनी जगह बनाने की पूरी कोशिश में है। Motorola अगर अपने फोन को नई टेक्नोलॉजी के साथ सही रेट में लेकर आती है तो काफी ज्यादा लोग इन्हें पसंद करेंगे। बाकी दोस्तों आप बताइए, आपको इन दोनों फोन में से कौन सा फोन सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। मैं आपको मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।